अगर आप अलीगढ़ से हैं तो आपने कभी ना कभी कल्लू के यहाँ की दाल गोश्त, निहारी और यहाँ का पनीर कीमा ज़रूर ट्राई किया होगा। लोगों का मानना यह है कि अलीगढ़ जितना पुराना है उतना ही पुराना कल्लू का ये होटल है। यहाँ पे लोगों की दीवानगी खाने की इस कदर से है, ना लोग दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना दूरी देखते हैं, चाहे कितनी दूर से भी आना पड़े लेकिन यहाँ आकर कल्लू का दाल गोश्त ज़रूर ट्राई करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भी कल्लू के यहाँ का दाल गोश्त ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ का जो दाल गोश्त है वो कैसा है और इनका पनीर कीमा भी ट्राई करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वक्त मैं हूँ ताजा माल में जो कि है अलीगढ़ में, और इस वक्त मैं आया हूँ कल्लू में। भाई ये मेरे पीछे आप कल्लू देख सकते हैं। कल्लू जो है ना भाई, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होटल है और यहाँ पे आपको दिन में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दाल गोश्त और कीमा पनीर मिलता है, और शाम में जो है ये अपनी निहारी और पाई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों यहाँ पे चेक कर लें, ये दाल गोश्त जो है इनकी बन के तैयार हो गई, और इसी तरह के कितने पतीले न जाने जो है पूरे दिन भर में बिक जाते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है कंटेनर और एक और जो दाल गोश्त ना वो तैयार हो रही है। अगर एड्रेस की बात करूँ तो यह है पुरानी ईदगाह जो है शाजा माल में, और ये पुराना अलीगढ़ कहलाता है। यहाँ पर अगर आप खाने की बात करें तो दिन में आपको दाल गोश्त और पनीर कीमा मिलता है, जबकि रात में आपको निहारी और पाए मिलते हैं। तो यहाँ पर सामने जो है वो कल्लू जी बैठे हुए हैं, तो उनसे बात भी करेंगे और आपको बताएँगे सारी चीज़ें। तो आप ही कल्लू हैं? करीब कितने साल से आप कर रहे हैं काम, हो गया होगा अंदाजा? 60 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो छौंका आप ही का लगता है यहाँ पे दाल पे, उसके बाद दाल कंप्लीट होती है, ये बात है माशाल्लाह। दोस्तों करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय करके हम कल्लू होटल पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रश इतना ज़्यादा है भाई कि खाने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो हम अपना सेटअप बाहर लगवाएंगे, यहीं पे हम अपने खाने को टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे यहाँ का टेस्ट जो है वो कैसा है। तो इत्मीनान से हमने अपनी जो टेबल है वो बाहर लगवा ली है और हमने यहाँ पर अपना खाना लगवा दिया है। यहाँ पर लग चुका है हमारा पनीर कीमा और साथ में लग चुका है दाल गोश्त। तो इसकी जो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो हर प्लेट की जो कीमत है वो 70 रुपये है, 70 रुपीज़ है, चाहे आप दाल गोश्त लें या फिर चाहे आप पनीर कीमा लें। और इनकी जो रोटी है उसकी कॉस्ट जो है वो 5 रुपये है। तो खाना सारा हमारा लग चुका है। हम कॉल करते हैं, बनाते ये बनाते ये ग्रुप में डाल देना, हम गाड़ी में चलना है पहले, फिर नदी में कॉल करते हैं। आज अगर इनकी कंपनी होते हुए ग्रुप में डाल देना। कैसा टेस्ट भाई इमरान भाई, टेस्ट कैसा है? अल्टीमेट टेस्ट बेहतरीन। और पनीर कीमा तो भाई सब बहुत धमाके है भाई साहब कीमे का। ये देखिए हमने कीमा दिया, उसके साथ ये पनीर भी दिया, साथ में पनीर भी ले लिया, ये नवाला लगाया और ये मुँह में गया। ये बहुत कैसा टेस्ट भाई, बहुत जबरदस्त। कहाँ का है ये? ऐसा सोचा वैसा पाया। कहाँ का है ये, टेस्ट बता दिए। कल्लू भाई ताजा माल वाले, कल्लू भाई वो बैठे कल्लू भाई लाल को कैरियर। तो भाई टेस्ट जो है ना बहुत ही जबरदस्त भाई, कीमे के साथ पनीर का जो कॉम्बिनेशन है भाई, भाई लस्सी बाकी सभी तरफ से आज ठीक है यार। ना दाल गोश्त कैसा लगा आपको? दाल गोश्त इनका भाई कल्लू का जो है दाल गोश्त, मसूर दाल गोश्त, ये बात। दाल गोश्त और पनीर कीमे की टाइमिंग तो मेरे ख्याल से सुबह रहती है, क्यों? 12 से 1 बजे तक, और शाम को नहारी, शाम में निहारी और पाए खाली है, ये बात है भाई। तो दिन में मिलेगा खाली दाल गोश्त और कीमा पनीर भाई। और यहाँ से गाजियाबाद से तक लोग आते हैं कीमा खरीदने। कहाँ? गाजियाबाद से। अच्छा ये बात भाई, ये हमारे आईक्यू भाई आए हैं गाजियाबाद से। और रेट क्या रहता है इसका दाल गोश्त का? 70 रुपये प्लेट, कोई भी लो दाल कीमा दाल गोश्त कोई भी नारे पाए कुछ, 70 रुपये प्लेट है भाई। दाल गोश्त बहुत शानदार है भाई, अल्टीमेट। ये चेक करो भाई दाल गोश्त, सारी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड जितनी खाओ उतनी खाओ, डिस्काउंट दिलवाते हैं। अच्छा
जय बाल भाई। अंडरटेकर के भाई हैं, अंडरटेकर के भाई हैं, अंडरटेकर भी काम करते हैं। बड़ी मेहनत से काम करते हैं यहाँ पे भाई। जय भाई। ग्रेवी अनलिमिटेड नदी मैं बनाते हैं। ग्रेवी अनलिमिटेड भाई। बोटी जो है ना बहुत जबरदस्त है भाई। लेकिन भाई के कमेंट अच्छे होते हैं। पर लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है बैठ के खाने की। नहीं आधार कार्ड जमा होता है नंबर लगाने का। क्या अच्छा लगा मैम आपको, दाल गोश्त या कीमा पनीर? दाल गोश्त ज्यादा अच्छा है, कीमा दोनों बढ़ जाए। और रोटी भाई इनकी बहुत ज्यादा हाँ ये बात तो है। पनीर कीमा नहीं, कीमा पनीर कही है क्योंकि इसमें पनीर के भी है दो पीस। हाँ भाई तो कीमा खाने के बाद मधु भाई ले आ रहे हैं लस्सी पिलाने। कीमा दो पनीर है। कीमा और दाल को मिला के खाओ भाई। कीमा और दाल को मिला के भाई। कीमा दो पनीर के आगे ऊपर बाद में मिलेगी आपको एक लाजवाब लस्सी। देख बात पहलवान की लस्सी क्यों बाकी भाई। तो दोस्तों इस मज़ेदार से पनीर कीमे को ख़त्म करते हैं। अगर बात करें टेस्ट की तो यहाँ का जो दाल गोश्त है वो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। पनीर कीमे की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा था लेकिन थोड़ा सा ऑयली था वो, तो मुझे उतना ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं। बात करें रोटियों की तो रोटियाँ यहाँ की बहुत अच्छी थी। दाल को अगर आप कीमे के साथ मिला के खाएंगे तो टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इस मज़ेदार से खाने के बाद हम पहुँच गए भाई पहलवान लस्सी के वहाँ पर, जो कि है पुराने अलीगढ़ में और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। इनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ की लस्सी हैं। सामने यहाँ पर इसके रेट लगे हुए हैं जिसमें इनकी मैंगो लस्सी है, फालूदा है, कुल्फ़ी फालूदा है, बहुत सारी वेराइटीज़ इनके पास है भाई। हमने ट्राई की इनकी लस्सी और ये जो आपको दिख रहा है सारी फ्लेवर्ड लस्सी हैं। इसमें तरह तरह के फ्लेवर आपको मिल जाएंगे और यहाँ इतनी ज़्यादा इनकी लस्सी की डिमांड है जो लगातार जो है ना ये लस्सी इनकी बिकती रहती है भाई। तो हमने इनकी सादी लस्सी जो है वो ट्राई की जिसमें रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर होता है और जिसकी कॉस्ट है 30 रुपीज़ जो कि छोटा गिलास है भाई। तो इसका जो टेस्ट है ना भाई वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये आ गई लस्सी भाई। इधर मलाई वगैरह नहीं पड़ेगी क्या? ये आ गई इनकी लस्सी है, ये रस मलाई है, स्पेशल रस मलाई। सारे फ्लेवर हैं आपके पास हैं? ये बात भाई आ गई हमारी लस्सी। तो भाई मज़ेदार से दाल गोश्त के बाद जो है ना पहलवान की लस्सी जो है वो तो भाई मैंडेटरी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही फ्रेश है, खट्टी मीठी लस्सी है भाई। ऊपर जो है ना इसके यहाँ पे मलाई वगैरह पड़ी हुई है इसमें और रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर है इसके अंदर भाई। तो ओवरऑल जो टेस्ट है ना उसका प्राइस जो है वो 30 रुपये भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। बहुत से दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।